अब वक्त है डिनर करने जाने का, बाहर डोसा खाने का प्लान है, तो सब पूछ रहे हैं डोसा खाने, तो चलो चलते हैं रेस्टोरेंट में, मिलता हूँ आपसे। तो यहाँ पे हमारा मसाला डोसा भी है, हम मम्मी बैठे हैं। हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। साथ में सबको गुड मॉर्निंग, और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और साथ में आज है मम्मी का बर्थडे, तो काफ़ी एक्साइटमेंट है और बहुत चीज़ करने का प्लान है। देखते हैं हो पाता भी है कि नहीं। बाकी आज जो है वो गांव से बहुत सारे अमावट आए थे, तो ये सारे अमावट यहाँ पर सूखने के लिए रखे गए। अचार बन रही है और ये महुआ का अचार बनने की तैयारी है। तो सारे दो अचार और एक अमावट यहाँ पर धूप में रखा गया, क्योंकि धूप अच्छी खासी हो रही है आज। तो आज का प्लान ये है कि माताजी ने भी बोला है कि जा समोसे ले आ, समोसे खाएंगे और मस्त समोसे पार्टी करेंगे। तो अभी चलते हैं समोसे गरम गरम छनवा के ले आते हैं समोसे। लेट्स गो समोसे लेने। तो हम तो निकल पड़े हैं समोसे वाले के पास, अब देखते हैं समोसा मिलता भी, क्योंकि वो जो शॉप है, मतलब जो मिठाई की स्वीट की शॉप है, वहाँ पर सभी लोग वहीं प्रीफर करते हैं समोसा लेने के लिए। तो चलो देखते हैं हमारे नसीब में समोसा है पहले स्टॉक में या दूसरे स्टॉक में, देखते हैं। चार समोसे पैक कर दो। समोसे लेके घर आ गया और अब चलो खाते हैं समोसे। बाकी कॉल आ रहा है, पहली समोसा पार्टी तो डन हो चुकी है और उसके बाद जैन सिकंजी पी लिया, तो जो था वो पच गया। और बाकी यहाँ पे हमारे सारे अचार धूप के आस में यहाँ पे पड़े हैं, बट धूप आ भी रही है और जा भी रही है, तो आके यहाँ पे वो रखा है। समोसा पार्टी तो डन हो चुकी है और उसके बाद जैन सिकंजी पी लिया, तो जो था वो पच गया। और बाकी यहाँ पे हमारे सारे अचार धूप के आस में यहाँ पे पड़े हैं, बट धूप आ भी रही है और जा भी रही है, तो आके यहाँ पे वो रखा है। से बारिश शुरू हो चुकी है और मतलब मौसम बहुत सही हो रखा है, मतलब अंधेरे से लाइट में आओ तो थोड़ा अजीब सा हो जाता है आंखों पे। तो ये मौसम सबसे बेस्ट लगता है, मतलब मेरे को इससे बेस्ट मौसम, ऊपर से आज बारिश हो रही है, मम्मी का बर्थडे है, तो गॉड भी मतलब ब्लेसिंग्स दे रहे हैं मम्मी को, तो क्या ही बोलूँ, ये सबसे बेस्ट मोमेंट है। तो अब देखते कितनी देर में कितनी तेज़ बारिश होने वाली है, वो डिपेंड करता है। तो शाम हो चुकी है और मतलब मौसम बहुत सही हो रखा है, बारिश भी हो गई थी बीच में, मैं सो गया था, फिर सो के उठा तो थोड़ी बहुत मेरे को तबीयत ख़राब सी लगी, तो मैंने सोचा कि मैंने अपना दोनों ही चीज चेक कर लूँ, बीपी भी और शुगर भी। बीपी तो नॉर्मल था, शुगर लेवल जो था वो 60 पे था, मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा लो था, तो शुगर लेवल फिर उसको मेंटेन करना था, लेकिन कैसे करूँ, मेरे को तो शुगर पसंद ही नहीं है। तो अब देखते हैं कहीं आज प्लान भी है मतलब खाने पीने का, तो कहाँ जाना है कैसे जाना है कुछ देर में, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो चलो पहले फ्रूट्स ही खा लेते हैं। तो अब वक्त है डिनर करने जाने का, बाहर डोसा खाने का प्लान है, तो सब पूछ रहे हैं डोसा खाने, तो चलो चलते हैं रेस्टोरेंट में, मिलता हूँ आपसे। चौको तू गंदा होता जा रहा है, तू गंदा होता जा रहा है, मैं नहीं बात कर रहा तेरे से, नहीं कर रहा बिल्कुल नहीं, बाय चौको। इससे मैं नाराज़ हो गया ना, तो ये मेरा अगल बगल घूमता रहेगा। चौको यहाँ पे हमारा मसाला डोसा भी है, हम तो ये जो डोसा कॉर्नर था, ये मेरठ का सबसे फेमस डोसा कॉर्नर है और यहाँ पे इतने टेस्टी मिलते हैं क्या बताऊँ। तो आप लोग भी आ सकते हो, अगर मेरठ में रहते हो तो आप बाहर से भी आ सकते हो। मम्मी को ड्रॉप करके और आया हूँ, मतलब प्रिंट आउट करने के लिए एडमिट कार्ड अपना, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे हमें रास्ते में कालू भाई मिल गए, क्योंकि जाने ही नहीं दे रहे मेरे को एक्चुअली। कालू नहीं नहीं बाय कालू, बाय 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 बाय। तो फाइनली घर आ गया और काफ़ी मज़ा आया। पहले तो जिस लोकेशन पे गए थे वहाँ पे वो लोकेशन मतलब शॉप ही क्लोज हो चुकी थी, रेस्टोरेंट क्लोज हो चुका था, फिर दूसरे रेस्टोरेंट पे गए जहाँ पे मैं मतलब जाता रहता हूँ दोस्तों के साथ, तो वो सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट था, मेरठ का सबसे फेमस है। वहाँ पे मसाला डोसा खाया, क्या मस्त मसाला डोसा था, मतलब मज़ा आ गया। फैमिली के साथ गए थे तो और भी मज़े आ गए, तो आज का दिन तो काफ़ी यादगार रहा। आई थिंक मम्मी के लिए भी काफ़ी यादगार रहेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट में जाके मसाला डोसा का आनंद हर बार तो नहीं मिलता, तो मम्मी भी याद रखेंगी। और आगे भी बहुत सारे प्लान होंगे जब मैं अपने जॉब पे रहूँगा, मतलब फिर मैं अलग सेलिब्रेट करूँगा, अलग लेवल का सब कुछ होगा, और
जब यार यूट्यूबर मतलब यूट्यूब लाइफ में रहूँगा उस समय और अलग से तो बहुत कुछ होंगे, तो वो फ्यूचर पे डिपेंड करता है फ्यूचर में जो होगा। तो अभी तो आज का दिन काफ़ी मज़ा आया, सीधी बात मज़ा तो बहुत आया। बाकी मज़े मज़े में एक बात तो है कि कल एग्ज़ाम है, पढ़ना भी है, मतलब रिवाइज करना है। पढ़ना क्या, पढ़ने का तो वक्त ख़त्म हो चुका, बस रिवाइज करना है। कुछ हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक चाणक्य नीति, महाभारत, रामायण, ये सब जो है ये सब टॉपिक्स को रिवाइज कर लेना है। बाकी फिर कल एग्ज़ाम देने जाएंगे, सुबह सुबह ही जाना है क्योंकि श्री भाई तो अपने टाइम पे आएंगे, तो फटाफट एडिटिंग निपटाना है फिर सो जाना है अपलोड करके। तो आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग भी पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, बहुत फ्री होता है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बस एक टैप की दिक्कत होता है, बस टैप करते ही सब्सक्राइब हो जाता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, वो बिल्कुल फ्री होता है, मुफ्त की चीज़ है तो तुम लोग ऐसे भी नहीं छोड़ते, सब्सक्राइब करना। बाकी इस ब्लॉग को देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, साथ में गुड नाइट, टेक केयर।